Good morning, all of you. My name is Akshita. I am from 7th sem. Good morning, all of you. My name is Akram Katak. And I am 7th sem. Today, my topic is complication with diabetes. So, diabetes क्या होता है? जब हमारे जो blood level है, उसमें glucose का intake ज़्यादा हो जाता है, उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, और insulin वो कम हो जाता है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब हमें diabetes हो जाती है. इस वजह से हमारे जो body है, उसमें कई तरीके की modification, उनके parts में modification आने लग जाते हैं, जिस वजह से उनके functions में भी changes आते हैं और हमारी body को वो harm करता है. अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिस वजह से डायबिटीज उनको वो करती है, इफेक्ट करती है. सो फर्स्ट वन हमारा किडनी है. किडनी को कैसे इफेक्ट करती है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो वो जो हमारे किडनी के क्लस्टर्स होते हैं, फिल्टर क्लस्टर्स होते हैं, उनको डैमेज करने लग जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती और प्रोटीन यूरिन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है. सेकेंड वन, ये हमारी आइज को भी इफेक्ट करता है. जो हमारी रेटिना को नरिश करने वाली ब्लड वेसल्स होती है, ये इसको डैमेज करने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लरी इमेज फॉर्म होने लग जाती है. इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करती है, वो नई ब्लड वेसल्स बनाती है, जिसकी वजह से ब्लरी इमेज वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है, ब्लरी इमेज कॉज करती है, फिर विजन लॉस भी हो सकता है. थर्ड वन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी. इसमें क्या होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में अलग अलग जगहों पर नमनेस आ जाती है, और ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करे, इस वजह से पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है. थैंक यू.